स्वागत है आपका एक्सप्लोरर्स फूड के एक नए वीडियो में। ये वीडियो ज़रा अलग है क्योंकि इस वीडियो में मैं कोई रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं ऑकलैंड टू केपरियंगा की ट्रिप कैप्चर कर रहा हूँ। वैसे मैं बता दूँ, केपरियंगा जो है वो न्यूजीलैंड का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिप। तो हम लोग डायरेक्टली केपरियंगा नहीं पहुँचे थे, हमने रास्ते में काफ़ी स्टॉप्स लिए थे। उन सब स्टॉप्स को कैप्चर करूँगा मैं इस वीडियो में। और हमारा पहला स्टॉप था बीपी वाइल्ड बीन कैफ़े। यहाँ पे मैंने न्यूजीलैंड का स्टेपल फूड पाई ग्रैब करी। मोर स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पर गुरमे बीबीक्यू चिकन एंड बेकन पाई ग्रैब करी। ये पाई काफ़ी फुलफिलिंग थी, इसमें गुई सी फीलिंग थी, थोड़ा बेकन और चिकन कम था, बट नेवर द लेस टेस्ट काफ़ी अच्छा था। तो वाइल्ड बीन कैफ़े में काफ़ी फुलफिलिंग ब्रेकफास्ट के बाद हम चल दिए अप नॉर्थ केपरियंगा की तरफ। बट केपरियंगा पहुँचने से पहले हमने काफ़ी जगह एक्सप्लोर करी। इसी एक्सप्लोरेशन में हमारा पहला स्टॉप था यूटोपिया कैफ़े, एक छोटे से टाउन कायवाका में। और हमारा नेक्स्ट स्टॉप कॉरी क्लॉकवर्क फैक्ट्री था फांगराय में। इस वीडियो में मैं केवल यही दो स्टॉप्स कैप्चर करूँगा और बाकी स्टॉप्स मैं इसी वीडियो के, इसी ट्रिप के पार्ट टू में कैप्चर करूँगा। तो अभी हम लोग सिटी रेंज से दूर कंट्री साइड की तरफ जाने लगे वाया स्टेट हाईवे। रास्ते में काफ़ी टनल्स भी पड़े जो कि सिम्बॉलिक थे कि एट द एंड ऑफ डार्कनेस लाइज अ लाइट ऑफ अ होप। इस मोटिवेशन को माइंड में रखते हुए आगे बढ़ते हैं सीनिक ब्यूटी की तरफ। ये देखिए, यहाँ पर पहाड़ को काट के रोड बना दी गई है। अब हम लोग कंट्री साइड पहुँच गए। धीमे धीमे करके बिल्डिंग्स कम होने लगी और हरियाली बढ़ने लगी। न्यूजीलैंड का वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी यहाँ तेज पानी बरस जाएगा और फिर 5 मिनट में ही खिली धूप निकल आएगी। मैंने इस ट्रिप में ऑलमोस्ट सारे ही लैंडफॉर्म्स देख लिए, प्लेन से लेकर हिल, फॉरेस्ट और सी तक, सारे ऑलमोस्ट 500 से 600 किलोमीटर के स्पैन के अंदर ही। अब हम पहुंच गए एक छोटे से टाउन वेल्सफोर्ड में। रास्ते में काफ़ी ऐसे छोटे टाउन पड़े मगर हम यहाँ रुके नहीं क्योंकि अभी हमारी डेस्टिनेशन दूर थी। ऐसी बाइकर गैंग दिखना रास्ते में काफ़ी कॉमन था। मैंने रास्ते में एक चीज़ और नोटिस करी कि यहाँ पे कोई ऐसे ही कार को ओवरटेक नहीं करता है। जब यहाँ स्पेसिफिकली पासिंग लेन आती है तब कार ओवरटेक करते हैं यहाँ पर। और रास्ते में ऐसी ओवरटेकिंग लेन के बोर्ड लगे होते हैं कितनी देर बाद ओवरटेकिंग लेन आएगी, तो लोग रेडी हो जाते हैं कार ओवरटेक करने के लिए। तो ये सेफ्टी के पर्पज़ से मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। तो हम फाइनली यूटोपिया कैफ़े पहुंच गए। मैंने जैसा गूगल पर देखकर कैफ़े को इमेजिन किया था ये वैसा ही था। इनफैक्ट मुझे लगता है कि स्मॉल टाउन वाइब इसके ऑरा को और इन्हांस कर रही थी। मैं कैफ़े के अंदर चला गया और कुछ भी ऑर्डर करने से पहले, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है एक्सप्लोर विद फूडी, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कैफ़े एक्सप्लोर किया। मैंने कैफ़े के विजुअल्स वीडियो में डाले हैं पर मुझे लगता नहीं कि वीडियो जस्टिस दे पाएगा इस कैफ़े की ब्यूटी को। फिर मैंने ऑर्डर करी क्राफ्ट बियर और कुछ डेजर्ट। अगर मैं इनके डेजर्ट का रिव्यू करूँ तो मैं 10 out of 10 दूंगा इस केक को। फिर मैं कैफ़े से बाहर निकल आया और चल दिया अपनी मेन डेस्टिनेशन पाहिया की ओर। मगर उससे पहले एक स्टॉप और लिया मैंने कॉरी क्लॉक फैक्ट्री पर फांगराय में। कायवाका से फांगराय तक का सफ़र और ज़्यादा सीनिक ब्यूटी से डेंस हो गया। हिली रोड्स, चारों तरफ ग्रीनरी और हिल्स, इट वॉज ट्रूली अ साइट टू बीहोल्ड। एक फन फैक्ट बताता हूँ, न्यूजीलैंड की 30% इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन द डेयरी। राइट साइड पर आपको जो सी दिख रहा है वो ब्रीम बे है। कोस्ट पर ड्राइव करते हुए सी को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो अब हम कुछ देर की सीनिक ब्यूटी ड्राइव के बाद कॉरी क्लॉक फैक्ट्री पहुँच गए। यहाँ पर कॉरीवुड ओपन यार्ड्स में ऐसे ही रखी हुई थी। थोड़ा सा कॉरीवुड के बारे में जानते हैं तो मैं आपको बता दूँ, कॉरी ट्रीज को न्यूजीलैंड के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो कि मौरीज हैं सेक्रेड मानते हैं। केवल यही नहीं, कॉरीवुड स्पैंस बैक टू मोर देन 50,000 ईयर्स। कॉरी ट्रीज दुनिया में केवल न्यूजीलैंड में ही पाए जाते हैं और यहाँ पर कॉरी ट्रीज को काटना अलाउड नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि अगर ट्रीज काटना अलाउड नहीं है तो इतनी सारी वुड्स कहाँ से आ रही है। मैं बता दूँ, ये सारी वुड कॉरी सॉम से आती है। ये लकड़ी पहले गिरे हुए पेड़ों से लाई गई है जो कि सॉम में पाए गए थे। यहाँ पर कॉरीवुड से बनी हुई टेबल डिस्प्ले पर थी जिसका प्राइस $4,000 था। एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगा, कॉरीवुड के प्रोडक्ट काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। ये एक और टेबल यहाँ पर डिस्प्ले पर है जिसका प्राइस $12,000 है। ये देखिए, ये है कॉरी गम। इसको सॉम से एक्सट्रैक्ट करते थे और ये वुड प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है। ये काफ़ी अच्छा लुक देती है वुड के प्रोडक्ट्स को। कॉरी सॉम से कॉरी वुड एक्सट्रैक्ट करना एक बहुत ही एक्सटेंसिव प्रोसेस था जिसको मैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप में कवर करूँगा। तो चलिए एंड करते हैं वीडियो को यहाँ पर। मिलते हैं आपसे इस वीडियो के पार्ट टू में और नई जगहों के साथ में।